फाइनली करण औजला पाजी का जो बैक द फक अप इंट्रो है वो आ चुका है। बहुत टाइम से वेट हो रही थी, आप लोगों का रिएक्शन लेके, तो हम रिएक्शन लेके आए हैं। अब ये पूरी एल्बम है या सिर्फ एक गाना है वो हमें बिल्कुल नहीं पता, गाइस कमेंट करके जरूर बताना। और करण औजला पाजी का जो फेवरेट गाना है आपका कमेंट कर दो, मेरा तो वो है नो नीड, सब कुछ करता सकते या सानू लोड नहीं। और स्पीड रिकॉर्ड चैनल पे आया है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और 10:15 बजे रात को हम लाइव स्ट्रीम भी करते हैं BGMI जो पबजी था पहले। रेडी सेट एंड गो। की दसा मैं अपने बारे, जिंदगी ने की सिखाया ते की दिखाया। तीन कमरे एक रसोई, बेबे दा उही सूट ते बापू दी उही लोई, अज भी उहदी बुक्कल वर्गा निग दिंदी आ ताही हिक नाल लाके रख। ते दस्या सी उहने वी बाली थां ना लाई, ताही इक नाल लाके रखदा। ते आ जिंदगी दा मैनू पता सी वी रब तों उधारी आ। ते छोटे हुंदे पंडित कह गया सी वी शनि मुंडे ते भारी आ। ਲੇਲਾਂ ਤੇ ਗੰਡੋੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਲੱਗੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਡੇ ਝੰਡਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਕੁੱਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਨਾਲੇ ਡੈਮਾਂ ਮਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਖਾੜਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਸਫ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ, ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਭੀੜ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠ ਚ ਨਾ। ਚੱਲ ਉੱਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਚੁਣਾ। ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਦੀ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਜੱਟ ਤਾਂ ਬਸ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦਾ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਕ ਆ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਮਲਿਓ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਸੁਰਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰਾਗ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰਾਗ ਨਹੀਂ। ਟੇਪ ਪਹਿਲੀ ਆ ਬਾਬਿਓ ਪਰ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ, ਚੱਕ ਦੋ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਖਲਾਰਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਓ ਭਾਈ ਅਰੇ ਪੂਰੀ ਟੇਪ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਐਲਬਮ ਆਏਗੀ। ਓ ਭਾਈ ਅਬ ਪਤਾ ਲਗਾ, ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। तो भाई देखो टेप पहली है पर आखिरी नहीं है। हाँ, और ये तो बस एक इंट्रो है, इंट्रो था, लेकिन एक मोटिवेशन देखा तूने इस गाने में जो हाँ, इस जो इंट्रो में जो शब्द थे मोटिवेशन वाले, मम्मी का तीन कमरा एक ही रसोई, मम्मी का वही सूट और हाँ, एक लो जो बाबे दी लोई हाँ, जो हिकना ला के रखी दिल से जुड़ के, और जो जिंदगी है वो उधार है रब की, उधार है जिंदगी। और कुंडिया ते महला दा सफर, महल ते मतलब, और गुलेल से उसका गोली दा सफर। और पंडित कह गया था कि बचपन में ही शनि भारी है मुंडे थे है ना, और वो अखाड़े तक का सफर, मतलब ये चीज, मतलब एक चीज की ऐसे थे, मतलब वही होता है कि इंसान होता है कि बहुत सिचुएशन देखता है, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस देखता है, फिर वो जहाँ पहुंचता है तो वो उसको खुद फील होता है कि मैं कहाँ से कहाँ तक पहुंचा हूँ, हर एक चीज रिलेट करता है वो बंदा। तो करण औजला पाजी मतलब कि सीरियसली ये बहुत ऐसे शब्द थे ना कुछ, स्टार्टिंग में तो इतने मोटिवेशनल थे, गूज़बम्स काइंड ऑफ, और फिर धीरे धीरे एक डांस वाला माहौल भी कर दिया। टेप था पहली आखिरी नहीं, और भाई साहब हुलारा पाएगा तैयार रहिएगा, मजा आने वाला मत इस एल्बम में, गाने बहुत सारे होंगे आई एम श्योर। और अभी भी अगर मेरे से बाई चांस मिस्टेक होगी, थोड़ी सी पंजाबी कम समझ आती है, कि बाई चांस अगर मैं अभी एक ही गाना और मैंने कह दिया टेप तो बता देना, मेरे हिसाब से पूरे एल्बम आ रही है दोस्त, और मजा आएगा, और मजा आएगा, मोटिवेशनल गाने भी होंगे, नाचने गाने भी वाले भी होंगे। तो आर यू गाइज एक्साइटेड, बिकॉज वी आर, एंड हमेशा पंजाबी गानों की तो वाइब्स ही अलग होती है, चाहे वो मोटिवेशन हो, चाहे वो डांस वाला हो, चाहे जोश भरा हो, मतलब अलग ही पैर में ऐसे खुद पे उठने लगता है कि चलो, खुद उठने लगता है, खुद भी उठने लगता है। बहुत एक बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत स्वीट, बहुत ही स्ट्रगल वाला भी कह सकते हो कि हाँ। पूरा वो दिखाया है कि कहाँ से, मतलब कहाँ से मैं आया हूँ और अब आज कहाँ पे, देखिए और अभी तो सफर शुरू हुआ है। और भाई आपको कैसा लगा गाना, लगा कि मुक गया गाने से बहुत है ना, नहीं अभी तक शुरू हुआ है हाँ। और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बहुत कुछ जिंदगी में देखा है और बहुत कुछ अभी तक देखना है यार। और आप क्या कुछ शेयर करना चाहते हो, कुछ भी थोड़ा सा भी तो बताना जरूर कमेंट में। और किन गानों, अगर आप किसी गाने पे भी रिएक्शन चाहते हो करण पाजी के, तो बताना। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, और जल्दी आ जाएगा गाना, स्वाद आएगा, ठीक है।